लोगों को इजिली अवेलेबल कराया जा रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, पुलिस पकड़ रही है, प्रशासन पकड़ रही है, फिर भी शराबबंदी अभी तक कंप्लीटली नहीं स्टॉप हुआ है। ऐसी शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है, पवित्र और महान पर्व है। तो मेरी तरफ से सभी बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भी उनके साथ हूँ। कि शराबबंदी हुई है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। आज शराबबंदी होने के बाद भी आप देखेंगे जेल सारे भरे पड़े हुए हैं। ये सारे अपराधी कहां से आ रहे हैं? लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी बिहार शरीफ में हूं और यहां पे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टी और राजनीति नेता के लिए और नेत्री के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ। आम जनता को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा समय है, लेकिन उन लोगों के लिए एक कार्यक्षेत्र शुरू हो चुका है अपने चुनाव में खड़े होने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। हालांकि अभी संभावित हैं, डॉक्टर आयशा फातिमा हैं, आरजेडी की नेत्री, हम इनसे बात करेंगे। अगर ये चुनाव जीतती हैं तो, या चुनाव जीतने से पहले जनता से क्या वादा करेंगे, बिहार शरीफ के जनताओं के लिए क्या ख्याल रखेंगे? मैडम, सब लोग आते हैं, सब कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन आप अपने वादे पर कितना खड़े उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी लोगों का कि आपके चैनल के थ्रू मुझे अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का मौका मिला, लोगों के दिलों में उतरने का मौका मिला। देखिए, यहाँ पे कोई वादा नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारी वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर वो करते नहीं है। तो मेरा ये वादा नहीं है, मेरा ये विज़न है, हमारा ये सपना है। क्योंकि मैं बिहार की बेटी भी हूँ और सौभाग्य से बहू भी हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बिहार से दूसरा कोई नहीं जुड़ा हुआ है। बिहार मतलब बिहार शरीफ ही है, बिहार शरीफ को बिहार शरीफ प्रॉपर बिहार शरीफ विधानसभा से, बिहार शरीफ के बाहर के लोग ऑडियंस के लिए क्लियर करना पड़ेगा। जी जी, नहीं, आपका आपकी बात बहुत सही है। बेसिकली बिहार स्टेट है, तो इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारी सिटीज है। मैं प्रॉपर बिहार शरीफ, इज माय बर्थ प्लेस, माय नेटिव प्लेस, देयर हाउ आई ब्रिंग अप। सो मैं बिहार शरीफ से ही हूँ और बाय टच एंड बाय लक मुझे यहाँ से, मैं यहाँ की बहू भी हूँ, तो मैं बिहार से बहुत जन्म से अब तक जुड़ी हुई हूँ। लोग जो है बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर वो कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास डगमगा जाता है। वो सोचते हैं कि अब मैं फिर किसी पे विश्वास करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो मैं विश्वास नहीं दिलाऊंगी, मैं बल्कि उनको ये कहूंगी कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, आपके सहयोग से, आशीर्वाद से और आपकी आवाज़ बन करके मुझे आगे काम करना है। जो उनके डिमांड होंगे, इनकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। किसी भी स्टेट का जो विकास डेवलपमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ बहुत मायने रखता है। तब जाकर के अगर एजुकेशन सही हो जाएगा तो लोग अपने आप इकोनॉमिक स्तर से लोग सुधार जाएंगे। एजुकेशन का स्थिति जो बिहार की, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि बिहार शरीफ की बात कर लें कि बिहार शरीफ के लड़का बच्चा जो है, जो गरीब से गरीब छात्रों को एक पढ़ने का अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मौका मिले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव डन ट्रिपल मास्टर इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम लॉन्ग विथ माई डॉक्टरेट, और इसी के साथ साथ मुझे प्रोजेक्ट वगैरह करने का मौका मिला जेएनयू से टच में। तो चूँकि मैं खुद एकेडमिक हूँ, पहले पूर्व में मैं अर्लियर मैं प्रोफेसर थी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं प्रोफेसर थी। तो मैंने जो देखा है यहाँ पे कि एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल नील है, बहुत कम है। सरकार ने जो भी स्कीम लाई है यहाँ के लोगों तक वो डोर टू डोर नहीं पहुँची है। आज भी देखिएगा आप, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले बच्चे को पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी के एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है। तो सेंट्रल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको डिसिप्लिन, एजुकेशन, पैलर, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ न्यू एम के लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो सेंट्रल स्कूल बनाने की एक हमारी एक वो है कि हम सेंट्रल स्कूल स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन के तौर पे बात हो गई और अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, एक कॉलेज की ज़रूरत है, जिसके लिए गरीब लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा उनका ट्रीटमेंट हो सके। चलिए मैडम, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट सवाल कर लेते हैं। एक पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में खबर चल रही है, सारण और सिवान में जहरीले शराब से कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि मीडिया में 50-60 लोगों की खबर है, लेकिन ग्राउंड पर जाएंगे तो 100-150 के आसपास में पहुंच चुकी है। क्या नीतीश सरकार शराबबंदी में फेल्योर है या नहीं? देखिए, शराबबंदी हुई है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है।
आज शराबबंदी होने के बाद भी आप देखेंगे जेल सारे भरे पड़े हुए हैं। ये सारे अपराधी कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे शराब पीने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं? शराबबंदी हुई है लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुई है, ऐसी शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। लोगों को इजिली अवेलेबल कराया जा रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, पुलिस पकड़ रही है, प्रशासन पकड़ रही है, फिर भी शराबबंदी अभी तक कम्प्लीटली नहीं स्टॉप हुआ है। इसीलिए समहाउ समवेयर इसको पूरी तरह से बंद करना एक उनका है, तो उसमें ये कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं। लास्ट सवाल रहेगा, बिहार शरीफ में बिहार का एक महापर्व है, छठ है, दिवाली आ रहा है, तो आप अपने तरफ से क्या शुभकामनाएं देंगे बिहार शरीफ की जनता को? जी, ये पावन और सबसे बिहार का जो फेमस है, जहाँ पे लोग ये दिल से पूजा पाठ कर्म करते हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी उपासना करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत पूर्व पवित्र और महान पर्व है। तो मेरी तरफ से सभी बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भी उनके साथ हूँ, उनके दिल में उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डॉक्टर ऐसा फातिमा को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और उन्होंने कहा कि अगर मैं बिहार शरीफ की बेटी हूँ और बिहार शरीफ की बहू भी हूँ, और अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे पहला मेरा फोकस होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, बिहार शरीफ। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।